देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। पंजाब चुनाव, कांग्रेस के सीएम सर्वे में चन्नी का नाम आगे, पार्टी अगले हफ्ते कर सकती है घोषणा। प्रोजेक्ट 75 की पांचवी पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण शुरू, इस साल नौसेना को सौंपी जाएगी कलवरी क्लास की सबमरीन। किशोरों के टीकाकरण पर केंद्र का निर्देश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दूसरी डोज के लिए प्रतिदिन करे समीक्षा, वक्त रहते वैक्सीनेशन जरूरी। ममता बनर्जी को कोर्ट में पेश होने का आदेश, राष्ट्रगान के अपमान का है मामला, 2 मार्च को पेश होने का आदेश। गलवान घाटी में भारत के साथ झड़प में चीन को हुआ था भारी नुकसान, ऑस्ट्रेलिया एक बार ने किया दावा। हिमाचल में बड़ा हादसा, सुंदरनगर में कार खाई में गिरी, 4 लोगों की मौत। कोरोना के चलते श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, रेल चलने की डेट बदलने का लिया फैसला। सीबीआई की कार्रवाई, घूस लेने के आरोप में कस्टम विभाग के 2 अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार। बिहार में हो रहा है विराट रामायण मंदिर निर्माण, प्रदेश में सबसे बड़े मंदिर में होगी कई खासियतें। न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर बयान देकर घिरे राहुल गांधी, कानून मंत्री बोले माफी मांगे। हत्या के प्रयास मामले में नितेश राणे का कोर्ट में आत्मसमर्पण, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, मुठभेड़ में हिजबुल का आतंकवादी मारा गया। एनसीआर में बारिश ने फिर बढ़ाई ठंड, कई राज्यों में भारी वर्षा की चेतावनी। केसीआर के बंगाल की खाड़ी वाले बयान पर भाजपा का हमला, कहा तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते कद का दिख रहा डर। राहुल गांधी आज रायपुर में अमर जवान ज्योति का करेंगे शिलान्यास, कुछ दिन पहले ही भूपेश बघेल ने की थी घोषणा। अमेठी में बीजेपी ने पूर्व विधायकों को बनाया प्रत्याशी, चंद्रप्रकाश मिश्र मटियारी ने किया जीत का दावा। औरैया में चुनाव से पहले प्रशासन अलर्ट, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। फरीदाबाद में गटर की सफाई करते समय हुआ हादसा, जहरीली गैस की चपेट में आए दो युवकों की मौत। गाजीपुर में 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प, चोरी के विवाद में चली गोली।
जनपद हरदोई में दबंगों के हौसले बुलंद, पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। लखीमपुर खीरी में पुलिस को धमकाते नजर आए भाजपा विधायक, पुलिस से बोले 10 के बाद देख लेंगे। मैनपुरी में भी चुनाव से पहले प्रशासन अलर्ट, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पीलीभीत में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री, भाजपा प्रत्याशियों के लिए किया प्रचार। संबल में बसपा प्रत्याशी ने किया डोर टू डोर कैंपेन, नुक्कड़ सभा से मांगा जनता का समर्थन। उन्नाव यूपी की लड़ाई में कूदे निरीक्षक, निरीक्षक धर्मराज उपाध्याय ने बनाया वीडियो। अलीगढ़ में नेताओं पर लगा धमकाने का आरोप, जूतों की माला डालकर मांगा वोट। आपसी विवाद में युवक घायल, हायर सेंटर किया गया रेफर। देवरिया कांग्रेस प्रत्याशी का हुआ भव्य स्वागत, कांग्रेस प्रत्याशी दुलारा देवी ने किया जीत का दावा। पीलीभीत में सपा प्रत्याशी ने दाखिल किया नामांकन पत्र, सपा प्रत्याशी पहुंचे कलेक्ट्रेट। रायबरेली में दंपति पर किया गया हमला, बुरी तरह से घायल हुए दंपति। पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में गाली देते नजर आए पूर्व विधायक, सत्ता के नशे में चूर हुए पूर्व विधायक। फतेहपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को रौंदा, मौके पर दोनों युवक की हुई मौत। राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी से की शिष्टाचार भेंट, सरोजी नगर से भाजपा प्रत्याशी है राजेश्वर सिंह, पूर्व ईडी अधिकारी भी है राजेश्वर सिंह। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, कैबिनेट मंत्री प्रस्तावक को गोली लगी, हत्यारोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में टिकट न मिलने से परेशान थे आरएलडी नेता, हृदय गति रुकने से हुई मौत। कौशाम्बी से अपना दल ने की प्रत्याशी की घोषणा, चाल सीट से अपना दल ने की उम्मीदवार की घोषणा, नागेंद्र प्रताप सिंह पर लगाया दाम। निषाद पार्टी ने 6 सीटों पर की प्रत्याशियों की घोषणा, चौरी चौरा से सरवन निषाद को बनाया प्रत्याशी, हंडिया से प्रशांत सिंह पर लगाया दाम। नामांकन करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिलाध्यक्ष अनिता त्रिपाठी हुई शामिल, जिला मुख्यालय कौशाम्बी पहुंचे विधायक शीतला प्रसाद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोले 5 वर्षों में पार्टी के संकल्पों पर किया काम, प्रदेश की छवि भी सुधारी। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट बदली, बारिश के साथ कई जगह ओलावृष्टि की भी पड़ी ठंड, गलन।
बिजनौर में पूर्व मंत्री स्वामी ओवेस और रालो जिलाध्यक्ष समेत 400 पर मुकदमा दर्ज। कानपुर की बिस्किट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बुझाने में लगी 6 से ज्यादा दमकल गाड़ियां। हाथरस में कोरोना के खात्मे के लिए 6 मोबाइल टीकाकरण टीमें उतरी, घर घर जाकर लगाएंगी वैक्सीन। वाराणसी में नकली कोरोना वैक्सीन मामले में 12 आरोपी, दिल्ली से मुंबई तक अपराधियों की तलाश। शाहजहांपुर में ओलावृष्टि से चलते बिछ गई सफेद चादर, हवा व बारिश ने किया सर्दी में इजाफा। देहरादून में भाजपा का प्रचार प्रसार हुआ तेज, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जनसंपर्क। हरिद्वार में राज्यपाल ने लेफ्टिनेंट कर्नल गुरमीत सिंह का 2 दिवसीय दौरा, गंगा आरती में शामिल होंगे गुरमीत सिंह। कलियर में कैबिनेट मंत्री ने किया डोर टू डोर कैंपेन, जनसंपर्क में रोजगार देने का किया वादा। लश्कर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन, सिख समाज ने प्रत्याशी को दिया समर्थन। नरेंद्रगढ़ में भाजपा स्टार प्रचारक की जनसभा, भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह पवार पक्ष में की जनसभा। कांग्रेस ने सत्ता के लिए लुभावने वादों की बिछाई बिसात, गुलाबी घोषणाओं में सभी वर्गों का दरिया दिली। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले जनसभा के अनुरूप तैयार होगा नया भू कानून। उत्तराखंड में मदन कौशिक ने कहा झूठ का पुलिंदा है कांग्रेस का घोषणा पत्र। उत्तराखंड में कोविड को लेकर जारी नई गाइडलाइंस, सरकार ने हाल ही में 11 फरवरी के लिए बढ़ा दिए हैं कोविड प्रतिबंध। उत्तराखंड में कोरोना से 10 और लोगों की मौत, 34 दिन में संक्रमित 126 मरीजों की गई जान। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम, भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, केदारनाथ समेत कई स्थानों पर बर्फबारी। उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट खटीमा पर भाजपा और कांग्रेस में है सीधा मुकाबला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपके कार्यालय में घुसकर झंडे हटाने का किया प्रयास, आप प्रत्याशी के साथ मारपीट, मुकदमा दर्ज। देहरादून लोन और निवेश के नाम पर ठगने वाला गिरफ्तार, 202 में इसी मामले में गया था जेल, जमानत पर था बाहर। उत्तराखंड में दिव्यांगों बुजुर्ग मतदाताओं के लिए रवाना हुई 84 पोलिंग पार्टियां। कजाखस्तान हिंसा में हस्तक्षेप के आरोप से तालिबान ने किया इनकार का, इसमें कोई सच्चाई नहीं।
रूस को दी चेतावनी, कहा हमला किया तो ये बड़ी भूल और गलत आकलन होगा। अमेरिकी थिंक टैंक ने पाक के राजदूत के तौर पर मसूद खान की नियुक्ति का किया विरोध। रूस अमेरिका में फिर बढ़ेगी तनाव, बाइडेन ने पूर्वी यूरोप में 300 सैनिकों की भेजने की घोषणा। पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी में पैरासिटामोल की कीमतों में की बढ़ोतरी, 15 फार्मास्यूटिकल कंपनियों को कारण बताओ की नोटिस जारी। दोहा से काबुल के बीच सीधी उड़ान पर कतर, तालिबान ने जताई सहमति, अफगानिस्तान की विमान सेवा में होगा सुधार। राजनीतिक विश्लेषकों का इमरान खान पर तंज, भीख का कटोरा लेकर विदेश यात्राएं करते हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। यूक्रेन संकट पर जो बाइडेन की फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बात, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। जारी है तनाव, अपने सैनिकों को यूरोप भेज रहे ब्राइटन। अमेरिका में कोरोना के मामलों में 52% तक की कमी, नई मौतों से टेंशन बरकरार। देश में हर क्रिप्टो लेनदेन पर होगी आयकर विभाग की पैनी नजर, लेकिन टैक्स लगाने के बाद भी वैध नहीं होगा क्रिप्टो करेंसी। बजट 2022 में एसएमई को मिली पर्याप्त फंडिंग, उधारी करने वालों के लिए फायदेमंद। सेंसेक्स में भारी गिरावट, 170 पॉइंट गिर कर 59,386 पहुंचा, बैंकिंग और आईटी शेयर के नीचे। फाइनेंस सेक्रेटरी बोले क्रिप्टो करेंसी सट्टे की तरह, इसलिए 30% टैक्स केवल डिजिटल रुपए लीगल टेंडर होगा। फरवरी से महंगे हो गए चार्ज, एसबीआई से आईएमपीएस के लिए लेन देन होगा ज्यादा फीस, आईसीआईसीआई बैंक ने क्रेडिट कार्ड पर चार्ज बढ़ाया। बिना बजट खेती को हाईटेक बनाएगी सरकार, वित्त मंत्री ने की एक स्टार्टअप को बढ़ावे की बात पर, किसानों के लिए पुरानी स्कीम का एलोकेशन घटाया। सरकार ने ट्विटर, गूगल और फेसबुक को लगाई फटकार, कहा फेक न्यूज के कंटेंट से भारत की छवि हो रही खराब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली क्रिप्टो करेंसी से लोग कमा रहे मुनाफा, इसलिए लगाया टैक्स। पीएनबी ने पतंजलि के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा लोगों पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाया, टैक्स की स्थिरता पर है हमारा जोर। अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने पर कप्तान टूल ने दी प्रतिक्रिया, शेख रशीद को लेकर कही बड़ी बात। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाकर विराट कोहली के क्लब में शामिल हुए यश धूल।
सौरभ गांगुली पर सिलेक्शन कमेटी के सदस्य का बड़ा खुलासा, कहा टीम चुनने में दखल नहीं दिया। फरवरी से विंटर ओलंपिक का आगाज, अमेरिका ने अपने एथलीट से कहा रेगुलर मोबाइल फोन चीन ले न ले जाएं, काम चलाओ बर्नर फोन का इस्तेमाल करें। सुपर हीरो के अवतार में एमएस धोनी ग्राफिक नॉवेल अर्थवर का फर्स्ट लुक हुआ जारी। भारत श्रीलंका सीरीज के कार्यक्रम में बदलाव, लखनऊ में होगा पहला मैच। अपने टैलेंट को बर्बाद कर रहे ऋषभ पंत, गावस्कर ने दी बड़ी वार्निंग, गावस्कर ने बताया बैटिंग का नंबर। सरफराज ने लगाई लताड़, अपने देश के खिलाड़ी को फटकारा, पीएसीएल में खेल रहे सरफराज। टीम इंडिया की बड़ी मुश्किलें, कोरोना पॉजिटिव पाए गए शिखर धवन, श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़, 6 फरवरी को खेला जाएगा पहला मैच। बीसीसीआई का नया पैंथरा, टीम इंडिया में इस खतरनाक प्लेयर की हुई एंट्री, धवन समेत कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। दिग्गज कलाकार रमेश देव का 93 वर्ष की आयु में हुआ निधन, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। आहाना शेट्टी की दूसरी फिल्म का ऐलान, जल्द बोले अक्षय सर के साथ काम करने का सपना। बधाई दो का रोमांटिक सॉन्ग अटक गया हुआ रिलीज, राजकुमार राव और भूमि पांडेकर की केमिस्ट्री ने जीता फैंस का दिल। विक्रांत शिखा की लव स्टोरी को मिलेगी मंजिल, नेटफ्लिक्स ने किया ये काली काली आंखों का सीजन 2 का ऐलान। ऋचा चड्ढा अगले महीने बनेंगी अली फजल की दुल्हनिया, फुकरे 3 की शूटिंग के बीच होगी शादी। अर्जुन कपूर माँ की बर्थ एनिवर्सरी पर हुए इमोशनल, बोले मिस करता हूँ मैं आपको बिना अधूरा। कंगना रनौत ने कंप्लीट की टीकू विद शेरू, तस्वीरों के जरिए शेयर किए सेट पर बिताए यादगार पल। दुष्यंत प्रताप सिंह की अगली फिल्म में नजर आएंगी रश्मि देसाई, जल्द शुरू होगी लंदन में शूटिंग। राजकुमार हिरानी की फिल्म मार्च में शुरू करेंगे शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा एडिंग थिंग्स में एंथनी मैंगो के साथ आएंगी नजर। वेब सीरीज की शूटिंग के बाद बिगड़ी सुनील ग्रोवर की तबीयत, 44 साल की उम्र में हुई हार्ट सर्जरी। दुनिया की 100 बड़ी खबरें, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।